वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलूंगा, ये मैं आपको वीडियो क्लिप साथ में दिखाता हूँ, पूरी तफसील बताता हूँ। तमाम परदेसी भाई जो कि खासकर सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, वो बात मेरी पल्ले बांध लें कि ऐसी ये वीडियो अगर खुदा न खवास्ता आपने अपने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ही शेयर की है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसा कि इस वीडियो के ऊपर लिखा आ रहा है जो भी तफसील है, तो भाई आपको बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो कौन सी है, इसकी तफसील क्या है, वो आप सब भाई देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी मीडिया क्या भाई, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से एक वीडियो वायरल है जी। मैंने कल मेरी नज़र में सामने ये वीडियो आई, आपने भी शायद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इससे पहले ये वीडियो देख ली हो। बहरहाल मैं उसकी एक पिक्चर आपको साथ में दिखा रहा हूँ, अभी आपको वीडियो क्लिप साथ में चलाकर दिखा देता हूँ भाई। मैं ये माजरा क्या है और इसका किस्सा क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगा, तमाम परदेसी भाइयों के लिए खासकर है, और पाकिस्तान में बैठे हुए तो वो तमाम भाई जो कभी ना कभी उम्रा पर या हज पर गए हुए हैं, आपने खाने काबा में जब हम इंटर होते हैं, माशाल्लाह हमारी नज़र पड़ती है, तो सबसे पहले हम भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ वगैरह करते हैं। और अपनी आंखों से आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सीन तो ज़रूर देखा होगा जो आपको, यानी कि आपने देखा और आपको हैरत हुई हो देखने के बाद। जैसा कि मैंने भाई देखा है, मैंने कहा हर बंदे ने देखा हजरत अस्वद के करीब कैसे रश लगा होता है, खाने काबा के दरवाजे के साथ कैसे रश लगा होता है। अगर किसी खातून की बात करें या भाई कमज़ोर दिल की बात करें तो वो तो जा ही नहीं सकता है वहाँ पर। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, मैंने कई बार खाने काबा का दरवाज़ा और हजरत अस्वद का बोसा लिया। ये बात इसलिए कर रहा था कि भाई मैंने वहाँ पर देखा है बहुत से ऐसे, यकीन कीजिए एक नहीं, मैंने कई केस ऐसे देखे जो वहां से शुरते आकर बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं खाने काबा के दरवाजे से या हजरे अस्वद के अंदर। क्यों भाई, वो कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की मिस्टेक कर रहा होता है, गलत हरकत कर रहा होता है। हाँ, कई कुछ बंदों से भाई जानबूझकर भी हो जाती है, लेकिन वो कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाती है और वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं। आपको ये जो मैं माजरा, ये जो वीडियो है वो साथ में अभी चलाकर दिखानी शुरू कर चुका हूँ, आप देख लीजिए। एक लड़का है जी, वो खाने काबा के गिलाफ के ऊपर कुछ चीज फेंकता है और उसके बाद कुछ अल्फाज बोलता है अरबी में, जिनकी भाई ऑडियो में भी समझ नहीं आती है। ये किसी एतवाफ करते हुए बंदे के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हुई, उसके बाद उसको करीब तरीन उसके जो बंदे हैं वो उसको जैसे तैसे करके पकड़ते हैं, शुरते आते हैं, शुरते उस बंदे को पकड़ कर ले जाते हैं। इस वीडियो के मतलब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो ये है जी, इस वीडियो के मतलब हुआ कुछ यूं कि खाना काबा के गिलाफ के ऊपर नाउज़ बिल्ला भाई शराब फेंक दी गई है, एक बंदे ने शराब फेंकी है, उसके बाद वो जो कुछ भी गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे अल्फाज के साथ ये वीडियो लगाई जा रही थी, उसके बाद सऊदी मीडिया की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो अभी की नहीं है। ये मैं इस वीडियो के मतलब भी आपको थोड़ा बता दूं, ये भाई ये वीडियो थी ना जो ये इस बंदे ने, ये यमनी का लड़का था, इसने ना पेट्रोल गालबन गिलाफ काबा के ऊपर फेंका था और शायद आग लगाना चाहता था, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया था। और ये वीडियो भाई अभी की नहीं है, तकरीबन आज से 5 से 6 साल पुरानी वीडियो है, जिसको दोबारा से भाई नया रुख देकर उसको आप बोल रहे हैं कि भाई नई चीज़ उसके ऊपर लिखकर नऊज़ु बिल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बंदे ऐसे लगा रहे हैं। और जो बंदे भाई जिनको पता नहीं है बेचारों को, वो तो चलो मिस्टेक होगी उनसे, वो भी अगर ऐसी पोस्ट लगा चुके हैं ये वीडियो के साथ तो वो डिलीट कर देंगे।